हाँ गणेश जी, थोड़ा सा बताएं आज क्या रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं फिल्म आज हम दो फिल्मों का, दो हिंदी बॉलीवुड मूवी का गाने का रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक मूवी का नाम है बिंदास फॉर फंटूस और दूसरी मूवी का नाम है अरे बाप रे बाप रे। के? दोनों ये कॉमेडी? दोनों कॉमेडी अच्छा म्यूजिकल लॉन्च हो रही है। अच्छा थोड़ा सा परिचय आप करा ये दीजिए। बता दे रहा हूँ, हाँ ये मिनी है, मिनी बंसल जो हमारे फिल्म में लीड रोल कर रही है। और ये जो बगल में है सुक्ति विश्वास, ओके ये हमारे प्लेबैक सिंगर है, पहले भी मेरे फिल्म में गा चुकी है गाना। अच्छा ये दोनों फिल्म में भी गाना गा रहे हैं। ओके मिनी जी, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं और इस फिल्म के बारे में। मैं अभी सर के साथ मूवी करने वाली हूँ, अरे बाप रे बाप। ये बहुत कॉमेडी म्यूजिकल थ्रिलर मूवी है और इसमें बहुत रोमांटिक और कॉमेडी ड्रामा तो बहुत होने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड और ये बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है फैब में। और इससे पहले मैंने अभी मूवी की है गोविंदा जी के साथ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि वो अप्रैल में रिलीज होने वाली है, एंड कृष्णा अभिषेक के साथ। वो दोनों ही कॉमेडी मूवी है। अब थर्ड चांस मुझे मिला है गणेश जी के साथ काम करने का। आप बताएं मैडम गणेश जी के बारे में थोड़ा सा, और आज कौन सा गाना गणेश रिकॉर्ड जी को करें? मैं बहुत दिन से जान रही हूँ और इसके पहले मैंने छत्तीसगढ़ी फिल्म में भी प्लेबैक सिंगिंग किया है उनके डायरेक्शन पे। मैं सुक्ति विश्वास ऑल इंडिया रेडियो आर्टिस्ट भी हूँ, साथ में प्लेबैक सिंगिंग एंड प्रोफेशनल सिंगिंग भी करती हूँ। और बचपन से ही म्यूज़िक से बहुत जुड़ाव रहा है और गणेश जी के म्यूज़िक कंपोजिशन स्पेशली मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं हमेशा ही इनके साथ जुड़ना पसंद करती हूँ। आज जो गाने आप रिकॉर्ड करनी, किस तरह के गाने हैं ये? ये ज़्यादा बहुत ही मेलोडियस भी है और मतलब उनके इवन लिरिक्स भी शायद गणेश जी ने ही लिखा है, तो वो लिरिक्स भी बहुत ही रोमांटिक एंड बहुत ही मतलब इमोशनल है, इमोशनल सॉन्ग्स ही है। और कुछ सॉन्ग्स की पहले रिकॉर्डिंग हो चुकी है, वो थोड़े डांस नंबर्स भी हैं, वो भी उनके इन्हीं की कंपोजिशन एंड लिरिक्स भी इन्हीं की ही है। गणेश जी आप मल्टी टैलेंटेड लगते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या क्या करना है इस फिल्म में बताएं प्रोड्यूसर हो, जी। डायरेक्टर हो, राइटर हो, ओके म्यूजिक डायरेक्टर हो, लिरिक्स राइटर हो, और और अब गाना गाना भी गा रहे गाना हैं। भी गा रहे गाना हैं, भी गा रहे हैं। कैसा गाना है ये? गाना इस पूरे फिल्म में टोटली एक इंटरटेन मतलब अच्छे गाने हैं, मतलब जो मन को बहुत आनंद मिलेगा। रोमांटिक है, डांस नंबर है और लिरिक्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। जैसे वो धीरे धीरे माही भी गाना है इसमें, सजना मारा खूब का है जो राजस्थानी फोक स्टाइल का वेस्टर्न है, इसमें झांझर बजाओ करके भी घूमर जो होते हैं राजस्थान का उस टाइप का फोक है। बाकी तो वेस्टर्न पूरा रोमांटिक गाने हैं। मैं गा रहा हूँ उसमें, शक्ति विश्वास जी गा रही है, एक लड़का और गाया था उसका नाम तो गौरव करके है। बाकी शक्ति जी पूरा गाना गा रही है फीमेल और मैं कुछ गा रहा हूँ कंपोजर के। शूटिंग कैसे की कब करेंगे आप? ये 1 to 15 फेब को शूट है, बिलासपुर गोवा और यूपी के मिर्जापुर। अच्छा तो पहले कौन सी आप बना रहे हैं या दोनों साथ बना रहे हैं? एक पहले चले क्या फोर पॉइंट उसका 80% शूट हो चुका है, अच्छा उसका गाना और 10-12 फिल्म बच गए हैं। और इस फिल्म का टोटली शूटिंग पूरा अभी एक खत्म कर रहे हैं, एक ही शेड्यूल में। तो पहले 4.2 होगी रिलीज, पहले बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। अरे बाप, अच्छा मिनी जी आप किस में हैं, कौन सी फिल्म में हैं? अरे बाप रे बाप क्या उसका वन लाइनर क्या है, स्टोरी क्या जो है थोड़ा सा? इसका मतलब अभी मैं एक जो स्टोरी तो नहीं हीरो, बता सकती एक हीरो है इसको बार बार ट्राई कर रहा है। एक हीरो है जो थोड़ा से मतलब गांव का है, बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं है, प्यार मोहब्बत का उसको एक्सपीरियंस नहीं है, हर टाइप हर प्रकार के कोशिश करता है अच्छा उसको। कभी वो साहित्यिक भाषा में, कभी काव्य कविता बोल के, कभी हर उसका जो लव गुरु होता है जी उसको वो उससे सीख कर यहाँ ट्राई करता है और बार बार फेल होता है। आप कब सक्सेस होता है आप देखिए बताइए। गणेश जी पहले आपने बनाई थी मेडल, मेडल बनाई, मेडल से भी पहले 2 फिल्म बनाया था मैंने, जी चाहता है। लेकिन वो सब मैं उसी पे आ रहा हूँ, वो उसका जो जोनर था वो रोमांटिक ड्रामा टाइप का था, वो बॉक्सिंग भी थे, बॉक्सिंग का था, रोमांटिक सोशल पिक्चर थी। ये फोर फंटूस और ये अरे बाप रे बाप, ये किस जोनर की फिल्म है? ये टोटली मतलब एंटरटेनमेंट फिल्म है।
मनोरंजन चाहिए लोगों को, सिर्फ मनोरंजन मनोरंजन मनोरंजन। तो क्या बॉक्सिंग जैसे एक्शन से जो है आप जो है दिखाना चाहेंगे, मनोरंजन करना चाहेंगे, या लव और रोमांस के साथ करना चाहेंगे, या कुछ और? रोमांस के साथ, कॉमेडी रोमांस के साथ और गाने के साथ। अगर आप कॉमेडी की बात कर रहे हैं तो किस तरह की कॉमेडी होगी? ज़्यादा टाइप अच्छा थोड़ा सा मैडम, आप कोई गाने का अगर लाइन याद है तो गुनगुना दें, इसमें जो गाना गाया है आपने। कैसा लगा मिनी, इनको इनकी आवाज़ कैसी लगी आपको? बहुत ही अच्छी, माइंड ब्लोइंग, मुझे सीखना है आपसे। यानी एक एक्टर और जो सिंगर बनेगा। गणेश जी, आपकी ये जो फिल्म जो है नई स्टार्ट हो रही है, इसमें कौन कौन से कलाकार होंगे? इसमें जो पापा के जो करेक्टर भी रहेंगे, आप तो जानते हैं युवा के बादशाह है वो, अंजन जी, अंजन श्रीवास्तव, कभी हा कभी गा चड्डे इंडिया में, और उनके बहुत बड़ा सीरियल आता था वागले की दुनिया, उसको बेस लेकर हम बना रहे। उसके भी एक बूढ़ी माँ होती है, सास बहू में टकराव और बहू बदलने वाले बात, तो एक प्रकार से एक घरेलू ह्यूमर है फिल्म में टोटी थी, जो गुनगुनाएगी आपको दिखने वाले लोगों को, कि आपस में बरसात हो, नोकझोंक, पापा का साथ किसी के साथ कुछ हो जाए, तो एक प्रकार से बहुत ही म्यूजिकल, रोमांटिक और कॉमेडी जो बुराई फिल्म है। अच्छा मिनी जी, आपको कॉमेडी फिल्में कितनी पसंद रही हैं? बहुत पसंद है, और कॉमेडी बहुत टफ टास्क है, बहुत इजी नहीं है वो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कॉमेडी मूवीज में काम करना, और जो मेरा रोल है वो एक कुछ थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि ये रोल मैं जल्दी से करूँ प्ले। अंजन जी के साथ और कौन से कलाकार हैं, क्योंकि दो कलाकार के नाम मेरे सामने आए? जो कलाकार हैं, हम पहले भी जो मेरे फिल्म में रह चुके हैं, मुजाहिद खान जो लीड रोल कर रही है, स्मृति बघेल करके है, एक लड़की हीरोइन है, एक नीतू श्रीवास्तव करके हैं, अभी सामने जो बैठे हैं अंशु सिंह वो है, और प्रताप सिंह सामने है, प्रताप सिंह, अंशु सिंह और प्रताप सिंह। अभी और कलाकार का चयन बाकी है? चयन बाकी है। अच्छा अच्छा, तो चलिए पहले आप फंडोस को रिलीज करेंगे, पहले अरे बाप रे बाप। कब तक मई एंड में रिलीज करेंगे? अच्छा, टोटल कितने गाने होंगे? अरे बाप रे बाप में 5 गाने हैं और फोर फंडोस में 4 गाने। चलिए, थैंक यू। थैंक यू।